Hi dear learners, welcome to Kalam GS Analysis Center. If you really like this video and all other videos in my channel needs your support so that I can provide good content in future videos. I believe a good listener needs a listener too. Subscribe my channel and follow me on Facebook, Instagram for regular updates. So let's start the video. Recently, Event Horizon Telescope Facility के साइंटिस्ट ने हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में सेजिटेरियस ए स्टार नामक ब्लैक होल की पहली छवि का खुलासा किया। रिसर्चर्स कॉल दिस ब्लैक होल एज द जेंटल जाइंट इन द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। अब हम जानते हैं ब्लैक होल क्या है। इस अवधारणा को 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा थियोराइज किया गया था और ब्लैक होल शब्द 1960 के दशक के मध्य में अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। एक ब्लैक होल जो उसके रंग के कारण ब्लैक होल कहा जाता है, खासकर जब लाइट इससे बच नहीं सकता है। हालांकि हम जो देखते हैं वो ब्लैक होल का इफेक्ट्स है। ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करते हुए हम उसके एनवायरनमेंट पर उसके प्रभाव को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक तारा जो ब्लैक होल के काफ़ी करीब है, इसे चीरते हुए देखा जा सकता है। बड़े सितारों की मृत्यु ब्लैक होल की ओर ले जाती है, क्योंकि एक तारे का ग्रेविटी तारे के नेचुरल प्रेशर को खत्म कर देगा जो इसे अपना आकार बनाए रखने के लिए बनाए रखता है। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस का दबाव कम हो जाता है तब ग्रेविटी हावी हो जाता है और तारे के कोर को ढहा देता है और तारे की अन्य परतें अंतरिक्ष में फेंक दी जाती है और इस प्रक्रिया को सुपरनोवा के रूप में भी जाना जाता है। कोर का रिमेनिंग पार्ट ढह जाता है। एक स्थान जो घनत्व और बिना आयतन के दूर हो जाता है तब वो बनता है एक ब्लैक होल। अब हम जानते हैं ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली ब्लैक होल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स, नंबर टू स्टेलर ब्लैक होल्स एंड नंबर थ्री सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स ये ब्लैक होल में सबसे छोटे होते हैं और एक परमाणु के आकार से लेकर एक माउंटेन के मास तक के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स ये ब्लैक होल में सबसे कॉमन है और ये सन से 20 गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में भी इनकी कई वैरायटी है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ये ब्लैक होल में सबसे बड़े हैं जो सन से 1 मिलियन गुना अधिक विशाल है। अब हम जानते हैं ब्लैक होल छवि का अनावरण क्या करता है। ब्लैक होल की इस छवि को रेफर्ड किया गया है एज सेजिटेरियस ए स्टार, जिसने इस विचार को और समर्थन दिया कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के जो कोर कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है वो वास्तव में एक ब्लैक होल है। ये सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन के सीमा के निकट है। ये हमारे सन से 4 मिलियन गुना अधिक विशाल है। ये आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को मजबूत करता है कि अंतरिक्ष में एक पॉइंट जहां मैटर्स इतना संकुचित होता है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। रिसर्चर्स ने कहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार की इमेजिंग M87 की इमेजिंग से भी अधिक कठिन थी। M87 और मेजियर 87 जो कि एक सुपर जाइंट एलिप्टिक गैलेक्सी है, 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 के केंद्र में स्थित एक ब्लैक होल की पहली छवि जारी करके इतिहास रच दिया। अब हम जानते हैं इवेंट होराइजन एंड इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट क्या है। ब्लैक होल से परे अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह एक बिना वापसी का बिंदु है जिसके आगे ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बचना असंभव है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक बड़ा टेलीस्कोप एरे है जिसमें रेडियो टेलीस्कोप का ग्लोबल नेटवर्क शामिल है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप पृथ्वी के चारों ओर कई बहुत लंबी बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री स्टेशन से डाटा जोड़ती है विच फॉर्म ए कंबाइंड एरे विद एन एंगुलर रिजोल्यूशन सफिशियंट टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ ए सुपरमैसिव ब्लैक होल इवेंट होराइजन। प्रोजेक्ट की ऑब्जर्वेशनल टारगेट्स में पृथ्वी से देखे गए सबसे बड़े एंगुलर डायमीटर वाले दो ब्लैक होल शामिल है, M87 स्टार का ब्लैक होल और मिल्की वे गैलेक्सी का सेजिटेरियस ए स्टार। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट थियोरेटिकल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स की लंबी अवधि के बाद 2009 में शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लैक होल कब डिस्कवर्ड हुआ और उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।